पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आयुष अनामिका को लेकर बेहद टेंशन में है। वो इसके बाद जैसे ही स्कूल जाता है तो उसी लड़के की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है जिसे अक्सर दौरे पड़ा करते थे। आयुष उसकी लाश देखकर बेहद घबरा जाता है। स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है और मोनिका तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर आयुष को अपने घर ले जाती है। मोनिका के घर में आयुष अनामिका की पेंटिंग्स देखता है। उधर वाणी को पागल अपनी बातों से काफी डरा देता है। वो आयुष को फोन करती है। आयुष मोनिका के घर से जाना चाहता है। मोनिका उसे बताती है कि उसकी बहन अनामिका किसी लड़के से प्यार करती थी और उसने उस लड़के के लिए आत्महत्या की थी। अब आगे उस पेंटिंग वाली लड़की का चेहरा हूबहू अनामिका से मिलता था और मोनिका उसे अपनी बहन बता रही थी। आयुष ने मन में सोचा, तो क्या फिर मोनिका? लेकिन अनामिका का चेहरा इस पेंटिंग वाली लड़की से इतना कैसे मिल सकता है? और कौन था वो लड़का जिसके लिए मोनिका की बहन यानी अनामिका ने अपनी जान दे दी? क्या मैं फिर से अपने किसी जन्म में आ चुका हूं? अगर ये बात सच है तो फिर इस जन्म वाली वाणी कहाँ है? क्या मोनिका ही वाणी है? नहीं, ये वाणी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लगती। यहाँ आखिर ये सब चल क्या रहा है? यही सब सवाल आयुष के दिमाग में मंडरा रहे थे। आयुष अपने ही ख्यालों की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ था कि तभी मोनिका हाथ में कॉफी का गिलास लिए हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई और आयुष को बहकी निगाहों से देखते हुए बोली, लो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाई हूँ। आयुष अभी भी अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि मोनिका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए फिर से पूछा, आयुष आयुष क्या सोचने लगे? मोनिका ने आयुष का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे बिस्तर के पास ले गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम काफी थके थके से लग रहे हो। ऐसा करो, ये कॉफी पी लो और थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। आयुष बिस्तर पर बैठ गया और उसने वो कॉफी एक सांस में ही खत्म कर दी। आयुष के माथे से पसीना बह रहा था। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल और शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। उस कॉफी को पीते ही आयुष को एक अजीब सा नशा महसूस होने लगा था। उसका सर चकरा रहा था और मोनिका उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मोनिका ने आयुष के चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए पूछा, अब कैसा लग रहा है आयुष? कुछ अच्छा फील हुआ? आयुष ने नींद भरी आंखों से मोनिका की तरफ देखते हुए कांपते होठों से कहा, नहीं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मेरा सर चकरा रहा है। तभी मोनिका ने मुस्कुराते हुए आयुष के चेहरे पर हाथ फेरकर उसे बेड पर लिटाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। मैंने कहा ना, जब से तुमने स्कूल वाले बच्चे की लाश देखी है तब से ही तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। तुम थोड़ा आराम कर लो। दरअसल मेरा भी सर बहुत चकरा रहा है। मैं भी थोड़ी देर तुम्हारी मजबूत बाहों में समाकर आराम करना चाहती हूँ। आयुष समझ नहीं पा रहा था लेकिन मोनिका ने उसे कॉफी में कुछ मिला कर दिया था जिसकी वजह से उस पर एक अजीब सा नशा छाता जा रहा था। आयुष को मोनिका और कमरा सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। मोनिका ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धकेल दिया और लहराकर जोर से उसके सीने पर गिर पड़ी। मोनिका आयुष के सीने से टकराकर हल्की सी उछली, जैसे कि कोई रबड़ की गेंद फर्श से टकराकर उछलती है। जब मोनिका के सुडौल जिस्म ने एक बार फिर आयुष के मजबूत सीने पर लैंड किया तो आयुष की नजर मोनिका के गले पर गई। मोनिका की गर्दन पर उभरी हुई नसें वो साफ साफ देख सकता था। मोनिका का चेहरा एकदम लाल हो गया था। मोनिका की कोटी के बड़े गले से उसके वक्षस्थल के उभार आयुष की नाक से टकरा रहे थे। आयुष मोनिका को रोकने के लिए उसको पीछे हटाने की कोशिश करने लगा लेकिन मोनिका ने आयुष के लहराते हुए दोनों हाथों को अपनी मुट्ठियों में कस लिया और अपने वक्षस्थल को उसके चेहरे पर रगड़ने लगी। कॉफी में मिली दवा ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। आयुष को अपने चेहरे और अपनी रगों में दौड़ता हुआ खून उबलता हुआ महसूस होने लगा था। आयुष के जहन में जैसे एक अजीब सी झनकार पैदा हो रही थी। मोनिका ने अपने भारी बदन का सारा बोझ आयुष के जिस्म पर डाल दिया था।
धीरे धीरे आयुष को घुटन के साथ अब बेहद अच्छा भी लगने लगा था। अचानक आयुष ने अपना चेहरा मोनिका के चेहरे से सटा दिया था और उसके गुलाबी होठों को अपने होठों के बीच दबाकर बेतहाशा किस करने लगा था और मोनिका के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाकर मोनिका के पूरे जिस्म को मसलने लगा था। मोनिका जरा भी विरोध नहीं कर रही थी, उल्टा वो किस करने में उसका पूरा सहयोग कर रही थी। उन दोनों के गर्म हो चुके जिस्म एक ही लय में लहरा रहे थे, दोनों के होंठ एक दूसरे से लॉक हो चुके थे, उनके होठों से निकलती गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर टकरा रही थी। अचानक आयुष मोनिका को अपनी गोद में भरकर उठ खड़ा हुआ और उसने घूमकर मोनिका को फिर से बेड पर पटक दिया। आयुष मोनिका पर सवार हो चुका था, वो किसी पागल की तरह मोनिका के जिस्म का एक एक कपड़ा उतारता जा रहा था। मोनिका मुस्कुरा रही थी और आयुष की एक भी हरकत का विरोध नहीं कर रही थी। आयुष ने मोनिका को अपनी बाहों में कसकर अपने दोनों हाथों से पलट दिया था। मोनिका पेट के बल बिस्तर पर लेटी हुई थी और मोनिका की निर्वस्त्र कमर आयुष की आंखों के ठीक सामने थी। आयुष ने अपने दोनों हाथों से मोनिका की गर्दन को पीछे से दबोच लिया था। मोनिका थोड़ा ऊपर उठी और आयुष मोनिका की कमर पर लेट गया था। मोनिका के मुंह से एक जोर की आह निकली। आयुष किसी घुड़सवार की तरह मोनिका के सुडौल बदन पर सवार हो गया था। दोनों की गर्म आहों की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी थी, लेकिन दीवारों के अलावा उनकी चीखें सुनने वाला वहां कोई और नहीं था। उन दोनों के जिस्म से पसीना पानी की तरह बह रहा था, दोनों के चेहरे बुरी तरह लाल हो चुके थे। फिर कुछ ही देर बाद घुड़सवार की लगाम उसके हाथ से छूट गई थी। मोनिका की नाजुक गर्दन आयुष की गिरफ्त से छूट चुकी थी और आयुष मोनिका की कमर पर ढेर हो गया था। कुछ ही देर बाद आयुष गहरी नींद की आगोश में समा चुका था। लगभग 2 घंटे बाद अचानक आयुष की आंख खुली तो उसने खुद को मोनिका की बाहों में देखा। मोनिका उसके सीने पर किसी नागिन की तरह लिपटी हुई थी, उसके खुले बाल आयुष के कंधों पर बिखरे थे। ये समझने में उसे एक पल का भी समय नहीं लगा कि उसने मोनिका के साथ क्या किया है। उसने बड़ी खामोशी से मोनिका को अपने शरीर से अलग किया। मोनिका भी गहरी नींद में सो रही थी। आयुष ने फर्श पर पड़े अपने कपड़े उठाए और शीशे के सामने खड़ा होकर जल्दी जल्दी पहनने लगा। अपने पूरे कपड़े पहनने के बाद आयुष अपने बिखरे बालों में हाथ मारने लगा था कि तभी अचानक उसने शीशे में देखा कि जैसे उसके ठीक पीछे उसके दाहिने कंधे की तरफ कोई लड़की खड़ी थी और वो घूरते हुए सीधे आईने में आयुष के चेहरे को घूर रही थी, जैसे कि वो आयुष से बेहद नाराज हो। उसे देखते ही आयुष एकदम सन्न रह गया था। वो सीधे उस लड़की की आंखों में देख पा रहा था। उसकी लाल आंखें हूबहू अनामिका के जैसी थी। उसका चेहरा किसी लाश की तरह सफेद पड़ चुका था। आयुष धीरे धीरे पलटने लगा, फिर अचानक वो एक झटके से पलटा। अचानक वो लड़की हवा में धुएं की तरह गायब हो गई थी। आयुष ने नजर घुमाकर इधर उधर देखा, पूरे कमरे में वो लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ बिस्तर पर मोनिका निर्वस्त्र पड़ी थी और गहरी नींद में थी। आयुष ने इसके बाद एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा। उसने अपने जूते पहने और फुर्ती से बाहर की तरफ जाने लगा। आयुष ने अपना पहला कदम उठाया ही था कि तभी मोनिका ने अपनी आंखें खोली, जैसे कि वो कभी सोई ही नहीं थी। उसने आयुष का हाथ पकड़कर उसे एक बार फिर खींचकर अपने ऊपर लिटा लिया था। मोनिका मुस्कुराते हुए आयुष से एक बार फिर कहती है, अभी तुम यहां से नहीं जा सकते, जिस काम के लिए आए थे उसे अंजाम देकर जाओ, वरना इंग्लिश टीचर तुम्हें पनिश करेगी। जस्ट वॉन्टेड वंस मोर बेबी। मोनिका का सुडौल जिस्म इतना खूबसूरत था, किसी महान तपस्वी के ब्रह्मचर्य को भी पल भर में तोड़ सकता था। आयुष की रगों में दौड़ता हुआ खौफ एक बार फिर जुनून में बदल गया था। एक बार फिर आयुष के कपड़े उसके शरीर से उतरकर फर्श पर गिर चुके थे। एक बार फिर उन दोनों के जिस्म पसीने से नहा चुके थे। एक बार फिर कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगा था। एक बार फिर उन दोनों की मस्ती भरी आवाजें उन खाली दीवारों से टकराने लगी थी। रात होने को आ रही थी, लेकिन आयुष अभी भी घर वापस नहीं लौटा था। वाणी काफी परेशान हो गई थी।
इसीलिए उसने प्रिंसिपल के घर पहुंचने का फैसला किया। जब वाणी प्रिंसिपल के घर पहुंची तो आयुष वहां भी नहीं था। वाणी ने चिंता भरे लहजे में प्रिंसिपल से पूछा, प्रिंसिपल साहब, आयुष आज घर ही नहीं लौटा, क्या वो आपके पास? इसका प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, वो तो स्कूल की छुट्टी के बाद ही मोनिका मैम के साथ चला गया था। मोनिका का नाम सुनते ही वाणी ने माथे में सिलवटे डालकर पूछा, मोनिका वो इंग्लिश वाली टीचर ना, कुछ बताकर गए कि कहां गए हैं? प्रिंसिपल ने हंसते हुए जवाब दिया, जी अब ये बात तो वो दोनों ही बता सकते हैं। बैठिए ना, चाय बनाऊं मैं आपके लिए। वाणी गहरी सोच में डूब चुकी थी। उसने प्रिंसिपल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वापस लौट गई। उधर आयुष रात भर मोनिका की बाहों में सो रहा था। अचानक उसे सपना दिखाई देता है कि जैसे वो एक अजीब सी दुनिया में है और अनामिका उसके जिस्म पर सवार होकर मदहोशी से लहरा रही है। अचानक अनामिका ने आयुष के होठों पर अपने होंठ जमा दिए थे और आयुष के होठों को अपने दांतों के बीच मसल देती है। आयुष के होठों से अचानक खून बहने लगता है। वो जोर से चिल्लाता है। अचानक उसका सपना टूटता है। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था कि तभी वो बाहर उठकर आता है तो देखता है कि सुबह हो चुकी है और मोनिका उसके लिए चाय बना रही है। आयुष ने देखा कि मोनिका की नंगी कमर पर अभी भी आयुष के दांतों के निशान थे। मोनिका उसे पलट कर देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, कैसे हो मेरे घुड़सवार? रात भर घुड़सवारी करके तुम बहुत थक गए होगे, इसीलिए तुम्हारे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई है। इतना कहकर वो आयुष को हाथ पकड़कर खींचती है, लेकिन आयुष उसका हाथ छटक कर तेजी से बाहर निकलता है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरे मोहल्ले के लोग घर के बाहर जमा थे और दूर दूसरे कोने पर वाणी खड़ी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आयुष को देखते ही वाणी बिना कुछ बोले पलट कर तेज कदमों से चलने लगती है। आयुष उसे रोकता रह जाता है। मोहल्ले वाले आयुष की पीठ पीछे अजीब अजीब बातें करने लगे थे। एक मोहल्ले वाला कहता है, मैंने कहा था ना, ये नया मैथ्स टीचर आया है ना कल से, अब बाहर निकला है, इन दोनों का पक्का कुछ चल रहा है। आयुष बिना उनकी बातों का जवाब दिए वहां से चुपचाप चला जाता है। जैसे ही आयुष घर में कदम रखता है तो देखता है कि वाणी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था। आयुष खिड़की से झांक कर देखता है तो सामने का नजारा देखते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि वाणी एक स्टूल पर खड़ी थी और छत से लटके पंखे में अपना दुपट्टा बांध रही थी। उसने दुपट्टे का फंदा पहले से ही बना रखा था। आयुष वाणी को रोकने के लिए जोर से चिल्लाता है, रुको वाणी, ये क्या बेवकूफी कर रही हो? लेकिन वाणी आयुष की एक भी नहीं सुनती और उसकी तरफ घूरती हुई अपने गले में दुपट्टे का बना फंदा डाल लेती है। आयुष समझ गया था कि इस समय वाणी को समझाने का कोई अर्थ नहीं बनता। आयुष दरवाजे पर कई बार वार करता है लेकिन दरवाजा नहीं टूटता। आयुष दरवाजे में बार बार अपने कंधे से वार किया जा रहा था और वाणी फंदे से लटक चुकी थी। वाणी के पैर हवा में झूल रहे थे। तभी अचानक एक जोर की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा टूटता है। फंदे से लटकी वाणी किसी मछली की तरह तड़प रही थी। आयुष दौड़कर उसके पैरों को पकड़कर ऊपर उठाता है और उसे अपनी बाहों में कसते हुए रोने लगता है, वाणी नहीं, वाणी नहीं, ऐसा मत करो वाणी, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। वाणी बेहोश हो चुकी थी। आयुष किसी तरह स्टूल पर चढ़कर उसके गले से वो फंदा निकालता है। जब वाणी को होश आता है तो वो आयुष की आंखों में देखते हुए पूछती है, क्यों बचाया मुझे? जब तुम उसके साथ रंगरलिया मना रहे थे तो मुझे मर ही जाने देते। आयुष वाणी को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने झूठ बोला। ऐसा कुछ नहीं है वाणी, जैसा तुम समझ रही हो। मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ कि मोनिका ने मेरे जिस्म को छुआ तक नहीं। उस बच्चे की मौत की वजह से मुझे काफी मेंटल ट्रॉमा हो रहा था। मैं उसके घर गया और अचानक मेरी आंख लग गई। मैं कल से अब तक बस सो ही रहा था और तुमने मुझे इतना गलत समझा। क्या तुम्हारी नजर में मेरे प्यार की यही कीमत है? इतना सुनते ही वाणी आयुष की बातों में आ गई थी
और उसकी बाहों से लिपटकर रोने लगी और उसने एक ही रट पकड़ ली थी। यहाँ से अभी मुझे जाना है, मुझे इस गांव में नहीं रहना है, अभी यहाँ से चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन आयुष वहां से बिना अनामिका की मिस्ट्री सुलझाए नहीं जाना चाहता था। आयुष गहरी सोच में पड़ गया था। क्या आयुष गांव छोड़कर चला जाएगा? क्या है उस पेंटिंग वाली अनामिका जैसी लड़की का राज? उस पेंटिंग वाली अनामिका ने आत्महत्या क्यों की थी? आयुष इस पहेली को कैसे सुलझाएगा? जानने के लिए सुनते रहे।